ही दिया है कोरोना ने हमें कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है और अब इसकी जिम्मेदारी हमने उठाई है। स्वागत है आपका फिटनेस की दुनिया में। एंटीमैटर फिट के सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल आपके घर आकर। सेशन स्टार्ट एट जस्ट 99 ओनली। डाउनलोड दी ऐप एंटीमैटर फिट। देश भर की कलाओं को एक बंधन में पिरोते जाएंगे। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। एकत्व पैतनिष्क। सरकार ने मुझे गुजरात बाहर जाने पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन 10 दिन की मुझे इजाज़त मिली है। तो गुजरात बाहर जितने भी प्रसिद्ध देवी देवता मस्जिद जितने भी पवित्र जगह है जहाँ पर दुआ लगती है जहाँ पर प्रार्थनाएं लगती है, तो उसी प्रकार 3 साल पहले जब आया था तब मैंने कहा था कि मैं हर साल अजमेर दरगाह पर आऊँगा, माथा टेकूँगा, लोगों की सुखी और समृद्धि की प्रार्थना करूँगा। आज उसी वजह से यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी तकलीफें हैं जितनी भी समस्या है वो ख़त्म हो जाए। और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर आकर किसी की भी दुआ कबूल होती है। आज तक किसी को यहाँ से मुंह दुख करके वापस नहीं जाना पड़ा। मुझे भरोसा है पर आकर जितनी भी दुआएं मैंने लोगों के हितों के लिए मांगी तो वो बिल्कुल पूरी जरूर होगी। जी, किस तरीके पाटीदार जो है सब सड़कों में चोरी है ख़त्म हो गई बात जब लोगों को न्याय मिला है। अभी हमारी लड़ाई है हर एक वर्ग के लोगों के लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हर एक धर्म को बराबर का जो प्यार मिलना चाहिए समानता मिलनी चाहिए, उसी लड़ाई को लेकर आज का नौजवान लड़ता है। और आज के नौजवान को नात जात पात को छोड़ कर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के कदमों पर चलकर लोगों के हितों की बात करनी चाहिए। किस तरह लग रहा है आपको कि मतलब नौजवानों को जो है सम्मान नहीं दिया जा रहा मोदी सरकार की तरफ? देखिए, एक ही बात को किसी प्रसिद्ध जगह और पवित्र जगह पर बैठ कर किसी के बारे में बात करने से अच्छा है इस पवित्र जगह से हम सब लोग दुआ करें कि हर एक हिंदुस्तानी को 135 करोड़ भारतीयों को किसी भी प्रकार की तकलीफ मौजूदा सरकार में ना पड़े और यहाँ की गई दुआ बिल्कुल कबूल होगी, ये हमें भरोसा। मध्य प्रदेश और यूपी में लव जात को लेकर कानून बनाया जा रहा है, क्या सही मानते हैं आप इसे? देखिए, मैं जितना मानता हूँ पिछले 6 साल में जिस तरह से मौजूदा सरकार ने हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति की है, सरकार का काम होता है लोगों के हितों में बात कर उनको अधिकार देने की राजनीति करनी चाहिए। हिंदू मुसलमान की राजनीति मैं मानता हूँ देश के लिए खतरा है। कल हमारे 2-4 दोस्तों से भी मैं कहता था जहाँ पर कट्टरता होती है वहाँ विकास नहीं होता। आज हम 30-35 माले की बिल्डिंग पर पहुँचे हैं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी ज़्यादा यहाँ मोहब्बत है, इसलिए दूसरे देशों में चले जाइए जहाँ कट्टरता है वहाँ पर विकास नहीं हुआ। दुबई में जाइए जहाँ पर प्यार बढ़ता है वहाँ पर 150 माले की बिल्डिंग बन चुकी है, तो प्यार बटेगा वो देश विकसित बनेगा।